ऐसा आदमी है मत ये नीदी चाल नी ऑल्सो वॉन्ट टू डू दिस मैन ते परांदा तेरा करदा कमाल नी फोटो बॉम्ब योर स्नैप यस भाई यू कैसे वही कर रही है हटना प्लीज हम तो सर करने लगे हाय गाइस गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सब वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल और चलो दिन की शुरुआत करते हैं एक नए व्लॉग से तो मैं हूँ अभी अमृतसर में मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि मैं जाने वाली हूँ अमृतसर और 5 दिन का पैटर्न है तो उसकी शुरुआत हो चुकी है और फाइनली हम लोग अमृतसर में लैंड हो गए थे और ये सड़कें देख कर मुझे मेरा होम टाउन यानी कि उधमपुर बहुत ज़्यादा याद आ रहा था क्योंकि हमारे भी वहाँ पर ऐसा ही है सड़कों के आगे पीछे पेड़ लगे हुए हैं पूरा हरियाली है तो उसकी वजह से ना कुछ ज़्यादा ही मैं होम सिक हो रही थी प्लस पंजाबी गाने बज रहे थे उसकी वजह से और वाइब जो है पूरी वैसे घर वाली हो गई तो आज हम सिर्फ एक सेक्टर करके आए हैं दिल्ली अमृतसर 1 घंटे की फ़्लाइट थी बहुत छोटी सी तो मस्त होटल जाएंगे और सो जाएंगे लाइट क्यों नहीं ऑन हो रही पहली बार डब का दिख रहा है सो गाइस दिस वॉज द रूम मैंने सोचा कि आप मेरी हील्स की टॉक से परेशान हो गए होंगे तो वो साउंड बंद कर देते हैं और मैं आपको अपनी मधुर आवाज़ सुनाती हूँ कमेंट सेक्शन में बताना टिक टॉक सुनना था या फिर मैंने अच्छा किया अपनी आवाज़ डाल के सो दिस वॉज द व्यू रूम के बाहर जो कुछ खास नहीं था सो गाइस हर बार मेरे रूम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है आज ये है देखो होने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है मीन्स दिस की हैज़ सम इशू तो फिलहाल अगर मैं चाहूँ तो मैं रूम चेंज भी करवा सकती हूँ लेकिन उसमें टाइम जाएगा बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे गेस्ट वेट कर रहे थे तो आई डोंट हैव दैट एनर्जी तो मुझे मैनुअली उठ के सारी लाइट्स ऑन ऑफ करनी पड़ेगी इट्स ओके और वेलकम वेलकम बैक टू माई चैनल दिस साइड मेगा अब्रोल विद यू ऑल वंस अगेन आई होप यू एंड योर फैमिलीज आर डूइंग रियली रियली ग्रेट तो अभी मैं हूँ अमृतसर में और ये क्या लेके घूम रही हूँ अभी मैं हूँ अमृतसर में मैंने आपको बताया था मेरे लास्ट व्लॉग में दैट आई एम गोइंग फॉर 6 डे पैटर्न आई मीन 6 डे को आई एम कमिंग बैक टू दिल्ली तो आज की शुरुआत हो गई है उस पैटर्न की सो टुडे इज़ द फर्स्ट डे आज मैंने एक ही सेक्टर किया है वो था दिल्ली अमृतसर अब अमृतसर में है शाम में वी माइट गो आउट अभी सोच रहे हैं कि चले जाएंगे फॉर शॉपिंग एंड गोल्डन टेम्पल एंड छोले कुलचे लस्सी ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए तो वो डिपेंड करता है कि कितने बजे जाएंगे बिकॉज हमें होटल वालों ने प्लस हमारे साथ जो क्रू है उनमें से 2 लोग अमृतसर के ही हैं तो उन्होंने मना किया है सर ने कि प्लीज़ डोंट गो आउट बिकॉज ये टाइम पे इतना एक्सट्रीम गर्मी है हीट स्ट्रोक एंड ऑल इन चीज़ों के बहुत सारे केसेस हो रहे हैं क्यों गिर रही हूँ मैं तो इन सारे चीज़ों के बहुत सारे केसेस हो रहे हैं तो अगर आपको जाना है तो प्लीज़ शाम में ही जाना और कल हमें 12 बजे चेकआउट करना है मीन्स 12 बजे हमारी रिपोर्टिंग भी है तो उसके हिसाब से प्लान करना पड़ेगा तो फिलहाल मैं नहा लेती हूँ बन खोल लेती हूँ बहुत हो गया और हेयर वॉश भी कर लेती हूँ बहुत चिपक गए हैं आज बाल कल ऐसा हेयर स्टाइल अलाउ होता गुप्त ते पर आंदा तेरा कर दा कमाल नी उल्ली अगलों री अखा कर दे सवाल नी ते मटक मटक ये नीदी चाल नी गला चला ली नी कीता बुरा हाल नी सॉरी फॉर द लिरिक्स आई एम वेरी बैड इन दिस क्या हालत हो गई है यार मेरे बालों की सीरियसली किसी ने मुझे कमेंट किया था कि छोटे बाल करा लो आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू दिस मैन आई ऑल्सो वॉन्ट बट उसके पीछे भी प्रॉब्लम पता क्या है कि व्हेन आई वाज इन स्पाइस तो हमें ना 2-3 टाइप के हेयर स्टाइल्स अलाउ थे जैसे कि अगर आपको ओपन रखने हैं तो इतनी लेंथ अलाउ थी अगर
उससे ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो आप पोनी बांध सकते हो या फिर फिश ब्रेड कर सकते हो, फ्रेंच ब्रेड कर सकते हो। बट यहाँ पे क्या है, अगर एक बार आपने बाल कटवा दिए ना, तो आपके शोल्डर्स को टच नहीं होने चाहिए। मीन्स अगर मैं इतना कराती हूँ, उसकी लेंथ थोड़ी भी बढ़ी या फिर चॉप, टच नहीं होना चाहिए। तो उसका प्रॉब्लम ये है कि एक बार अगर मैंने बाल काट लिए, तो मैं दोबारा से बाल लंबे कर ही नहीं पाऊँगी। सो बस उस वजह से मैं वो कर रही हूँ, पछता रही हूँ बोलने वाली थी, बस उस वजह से मैं थोड़ा पीछे हट रही हूँ। वरना आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू इट मैन। माइक तोड़ना है क्या आते ही? ओ पांच दिन के पैटर्न के हिसाब से लाई हूँ, बैग हैवी तो होगा ही। हाँ, क्या है पहनने वाला? तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे गर्मी ही है, तो आई थिंक आई शुड वेयर शॉर्ट्स ओनली। वाह, ये सब भी बाहर आ गया है क्या यार? कैसे रखते हैं ये लोग बैग? आई डोंट नो, पंजाबी तड़का तक बाहर निकल गया। दिस इज़ माई मेकअप वाला सामान, स्किन केयर वाला सामान, हमेशा मेकअप निकलता है यार। आई थिंक यहाँ पे तो वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, व्हाट यू कॉल यार, रूम स्लीपर्स। एक बार चेक करती हूँ, आई कॉन्ट फाइंड एनी रूम स्लीपर। देयर इज रूम स्लीपर, यही फ़ायदा है इंडिया मतलब डोमेस्टिक ले ओवर करने का। दिस इज मस्ट बी शू शाइनर। या तो चलिए ये यूज़ कर लेते हैं, एक मैं अपने बैग में रख लूँगी। क्यों? बिकॉज बर्मिंघम में नहीं मिलेगा मुझे रूम स्लीपर, तो इसलिए। या माई वाई फाई इज़ नॉट वर्किंग, मे आई नो द पासवर्ड? मैम इट्स एब्रॉल, ABROL। यस इट्स मेघा। सो गाइस, ये क्लिप में मैं करना चाहती थी ASMR इफ़ेक्ट, बट एडिटिंग के टाइम पे समझ आया कि नहीं, ये नहीं हुआ है अच्छा, क्योंकि रूम में अलग सा कुछ गूंज रहा था, ऐसा हमिंग टाइप आवाज़ आ रही थी। वो अलग बात है कि अभी मैं एकदम भैंस जैसी हूँ कर रही हूँ, बट अजीब सी आवाज़ आ रही थी, इसीलिए मैं यहाँ पे आपके लिए कर रही हूँ वॉइस ओवर। और मुझे लग गई थी थोड़ी थोड़ी भूख, तो मैं सोचा फ्रूट केक खा लेते हैं, जो कि मैं आपका बाज़ार से ख़रीद कर लाई थी, वो भी बाय वन गेट वन फ्री। ये भी आपको मैंने एक व्लॉग में दिखाया था, याद है ना? अगर याद है तो कॉमेंट सेक्शन में बताना, और अगर भूल गए हो तो भी बताना। आई डोंट नो वाई गाइज, बट ये जो मैं केक खा रही थी ना, मुझे इसमें से ना अजीब सी स्मेल आ रही है। दो इट इज़ नॉट एक्सपायरी, अभी काफ़ी मतलब टाइम है उसमें, बट कुछ तो मसला है, तभी दुकान वालों ने बाय वन गेट वन दिया है। तो हार्डली दो पीस खाए हैं मैंने, और ये रखा हुआ है, वो पड़ा है सामने। तो मैं सोच रही हूँ कुछ ऑनलाइन मंगवा लूँ, बिकॉज़ यहाँ पर सिर्फ एक ही मील मिलता है हमें, और मैं यहाँ पर कल तक हूँ। मीन्स अभी बज रहे हैं दोपहर के 3, ये तो बताना ही भूल गई। तो हाँ, अभी बज रहे हैं दोपहर के 3, और यहाँ पे आए थे हम अराउंड 1-1.5 बजे पहुँच गए थे। तो अब 1 बजे से लेके कल मुझे 12 बजे चेकआउट करना है, मीन्स ऑलमोस्ट 24 आवर्स। और 24 आवर्स में यू विल गेट ओनली 1 मील, यानी कि 9 ब्रेकफास्ट फॉर टुमारो। अगर आप कल भी ब्रेकफास्ट करते हो तो मीन्स आज आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो वट आई एम थिंकिंग कि मैं डिनर करूँगी, और अभी कुछ बाहर से खा लेते हैं, फिर से बोलोगे बाहर से, बट यहाँ पर तो मैं खुद बना भी नहीं सकती, तो देखती हूँ कि क्या खाना है। वैसे तो सुना है कि होटल के पास रोड क्रॉस करते ही कोई छोले कुलचे मिलते हैं, लेकिन वो भैया 4 बजे चालू करते हैं, तो अगर मेरी भूख बर्दाश्त हो गई तो मैं वहाँ जाके खाऊँगी, अगर नहीं हुई तो फिर ऑर्डर करूँगी। तो देखते हैं। ऐसा आदमी है, इधर नहीं आ रहा है, रोड के उस तरफ खड़ा है। भाई साहब, इतनी गर्मी है ना।
ना अमृतसर में मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि मैं बाहर जाऊँ गोल्डन टेम्पल, बिकॉज आई हैव सीन इट अ लॉट. आई हैव सीन इट मैनी टाइम्स. नींद में हो गई, मैं सो गई थी एक्चुअली, क्योंकि ऑर्डर किया है ये खाऊंगी. थक गई हूँ यार. नाउ यू गाइज मस्ट बी थिंकिंग कि मैं कहाँ गई थी और क्यों गई थी. तो मैंने कुछ ऑर्डर किया था तो वो मैं रिसीव करने के लिए गई थी. तो फिलहाल अभी चलते हैं रूम में, और फिर मैंने क्या ऑर्डर किया था वो आपको मैं अगले ब्लॉग में बताऊँगी. गुड आफ्टरनून. चल क्यों नहीं रही है?